आज इस हिंदू बैठक में हमारी गणेश क्षेत्र के सांसद और मुख्यमंत्री आदरणीय अजय गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बहुत संघर्ष किया, और मैंने देखा पिछले 5-6 महीने के कार्यकाल में लगातार इस क्षेत्र की चिंता करी, जिन्होंने बहुत सारे काम करवाए और विधानसभा को काफी आगे ले जाने का काम किया। ऐसे हमारे भाई आदरणीय महेश नेगी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि वर्मा जी, और जिनको आप सबके बीच में से यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और बड़े जुझारू हैं, मैंने बचपन से देखा है, इनके अंदर बड़ी लगन है, बड़ी ऊर्जा है, भाई अनिल साही जी और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही युवा ऊर्जावान, और लगातार वो भी टिकट की दौड़ में उनके बराबर ही थे, खड़े हो जाओ, और लगातार संघर्ष करते हैं हमारे भाई कैलाश भट्ट जी और सभी हमारे सम्मानित मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी आए हुए दूर दूर से हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई एवं बहनों, आप चूंकि बोलने का ज्यादा टाइम नहीं है, सूरत जाना है मुझे, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव ऐसा चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई, चाहे सैनिकों का मामला हो, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे सड़कों की बात करें या फ्री वैक्सीनेशन की बात करें, या चाहे मुफ्त में आवासन देने की बात करें, या आयुष्मान भारत योजना लाने की बात करें, या चिकित्सा की बात करें, एक एम्स हमारे कुमाऊं में खुल गया है, आपके अल्मोड़ा का जो मेडिकल कॉलेज रुका हुआ था 100 सीटें उस पर करीब है स्वीकृत हो गई है भारत सरकार से, वो मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ पर बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की भी स्वीकृति हो गई है, उसका भी काम शुरू हो गया है, ऐसे अनेकों काम हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए हैं। भाइयों बहनों, मुझे भी पिछले 6 माह से आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से 6 माह का समय मुख्य सेवक के रूप में मिला, मैंने कोशिश करी, मैं जगह जगह जहां भी गया लोगों ने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन बोले कि आपको समय कम मिला है। मैंने कहा ये मेरी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इतने समय जो भी समय था वो समय दिया, आपका समय देने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे विजन बनाए हैं कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए हमने सारे प्रयास बनाए हुए हैं, और हम इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं कि जब हम 25 साल के होंगे, अभी हम 21 साल के हैं, और 25 साल के होंगे तो हमारे रोजगार के क्षेत्र में क्या काम होगा, पलायन कैसे रुकेगा, हमारे यहाँ पर फलों की क्या स्थिति होगी, जैसे द्वाराहाट क्षेत्र है, बागवानी के क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पर उद्यान के क्षेत्र में क्या होगा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, इस तरह से योजना बनेगी, वो सारी योजनाएं हमने बनाई है। भाई बहनों, ये मैंने बताया कि जैसे हमने सरकार में रहते हुए बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की, मैं उसके बारे में बताऊंगा तो बड़ा विस्तार हो जाएगा, एक भी कोई क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं, हर क्षेत्र में हमने रास्ता निकाला, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के साथ पिछले 21 सालों से लंबित जो बंटवारे के मामले थे, उन बंटवारे के मामलों का भी हमने निस्तारण किया। भाइयों बहनों, आपने योजना चलाई, नौजवान युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की, हमारे अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया, आंगनबाड़ी, आशा है, भोजन माताएं, पीआरटी के जवान, वृद्धावस्था की पेंशन, पहले एक को मिलती थी, दोनों को हमने देने की व्यवस्था करी, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, ये विधवा पेंशन, इनको मैंने 1200 से 1500 हम लोगों ने किया है, ऐसे तमाम कार्य किए, नई खेल नीति लेकर आए, हमने बहुत सारे काम किए भाई बहनों, एक प्रयास किया है, एक तरफ तो हम लोग हैं, नहीं मोदी जी हैं या हम हैं जो आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने कामों में प्रयास किया है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 2017 से पहले आपने सरकार देखी होगी, कैसी सरकार थी, उस सरकार में लोग कहते थे कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, जो करना है कर लीजिए, जितना लूटना लूट लीजिए, भूख माफियाओं का खेल, खनन माफियाओं का खेल, शराब माफियाओं का खेल किसी से छुपा हुआ नहीं है,
हमने बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत हमारे महेशता ने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, हमारे कैलाश जी भी बड़े यहाँ के जुझारू है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुरूप हम लोगों ने सारे, क्योंकि पार्टी का भी एक फ्रेम बनता है, उस फ्रेम के आधार पर यदि है कि अब जिनको टिकट नहीं मिला योग के लिए वो भी बड़े योग्य है, उनको भी पार्टी आगे कहीं ना कहीं लाएगी, किसी न किसी रूप में लाएगी, लेकिन अनेक को लाया इसका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि एक एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है, और ऐसी सरकार बनानी है जो सरकार केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। अगर एक भी सीट नहीं, एक भी वोट नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से जो विकास के काम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, वो बहुत तेजी से जो आगे जाने चाहिए उनमें रुकावट पैदा होगी, उनमें व्यवधान पैदा होगा, बाधा पैदा होगी। आज मैं जिस प्रकार से यहाँ आते ही बाजार के अंदर घुमा हूँ, आप लोगों के साथ संपर्क किया, हम लोगों ने निवेदन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गौराहाट क्षेत्र में आप कमल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, आपका एक एक वोट पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा, आपका एक एक वोट विकास को मिलेगा, आपका एक एक वोट इस क्षेत्र की तरक्की को मिलेगा, आपका एक एक वोट यहाँ की गति को बढ़ाने के लिए होगा, आपका एक एक वोट इस क्षेत्र की मति को बढ़ाने वाला होगा और उत्तराखंड को तेज गति से आगे ले जाने वाला होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 14 फरवरी को मतदान होना है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, जितना जोर आपके अंदर है उतना जोर लगा दीजिए और इस क्षेत्र से आप बारे बहुमत से हमारी पार्टी को यहाँ से जिता दीजिए, अनिल शाही को यहाँ से विधायक बना दीजिए, जो काम महेशदा ने शुरू किए हैं उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके अवसर पर आप सबसे ये निवेदन करता हुआ और आपका विश्वास दिलाते हुए, बहुत सारी समस्याएं हैं अभी गौराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत सारे काम आगे बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र के बहुत सारे प्रस्ताव आगे बढ़े हैं, उन सबको अंतिम रूप तक ले जाना है, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण होना है, जो योजनाएं शुरू हुई है उन योजनाओं को पूरा करना है। भाइयों बहनों मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक एक वोट विकास के नाम पर पड़ेगा, आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगा, आपका एक एक वोट मुझे भी ताकत और ऊर्जा देने के लिए पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।